फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सुबह के बज चुके हैं 9 और आज हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए ब्रेकफास्ट के साथ में, जो कि मैं आज बनाने जा रहा हूँ चीज़ सैंडविच। क्योंकि चीज़ सैंडविच मेरे को बहुत पसंद है और मम्मी को भी बहुत पसंद है, और किट्टू भी घर पर आ चुकी है। एंड डॉक्टर ने वैसे किट्टू को बोला है कि अभी चलने फिरने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है, बस थोड़ा थोड़ा उसको ये बोला है कि उठकर अपने को आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहो। मतलब ये होता है ना कि पैरों को चलाना, हाथ को चलाना, क्योंकि अभी स्ट्रिचेस भी हैं तो इसलिए अभी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते उसको, लेकिन थोड़ा सा अभी धीरे धीरे ट्राई कर रही है। उसकी हेल्थ भी रिकवर हो रही है एंड बेबी भी ठीक है। थोड़ा सा रात में उसने ज़्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि सुबह थोड़ा सा रेस्ट पर निकलता है, रात में जागते हुए निकलता है। तो चलो मैं आज बनाने जा रहा हूँ सैंडविच और आपको भी दिखाता हूँ कि सैंडविच कैसे बनता है। दूसरी साइड मम्मी अपनी धूप ले रही है बैठ के, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को भी बोला है और हमारा बेबी भी ले रहा है धूप, क्योंकि डॉक्टर ने सुबह और शाम बोला है 1-1 घंटा उसको धूप में रखने के लिए। A few minutes later. So, आखिर मेरा चीज सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। चलो मैं मम्मी को दे देता हूँ पहले जाके, एंड देन फिर अपने लिए बनाता हूँ। मेरा चीज सैंडविच रेडी हो गया और मैं चीज सैंडविच अपना खा भी रहा हूँ। टेस्टी भी बना है बहुत ज्यादा, और मेरी चाय भी, और साथ में बैठी है मेरी वाइफ भी। देख लो जुकाम हो गया। कितना ज्यादा? कल ना मैंने इसको बोला भी था कि अपने आप को थोड़ा कवर करके रखो, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि इस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा कवर लेके। अरे उसी के साथ, उसी की वजह से ही हुआ है, उसकी वजह से नहीं हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को भी पता होगा, आपके घर में भी कोई ना कोई इस सिचुएशन से गुजरा होगा। तो डॉक्टर हमेशा रिकमेंड यही करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी थोड़ा सा हमारा ना बॉडी वीक हो जाता है, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, तो थोड़ा सा हम लोग अपने को कवर करके चलना होता है। तो मे बी शायद इसकी वजह से इसको कोल्ड हुआ है। कोल्ड हुआ है ना, लग रहा है ना, देखो है ना। यार ब्रेकफास्ट तो हो गया मेरा, अब मेरे को जाना है पानी भरने। एक किट्टू का हो रहा है दवाई का टाइम, जो सुबह सुबह डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन टाइम पे खाना है एंड ब्रेकफास्ट भी टाइम पे करना है। यार पानी गरम लगा है क्या? नहीं लगा, लगा दिया है पानी गरम। तो आंटी अपना काम कर रही है, उसके लिए दवाई बना रही है देसी, और इसमें पानी गरम जल्दी से हो जाए तो फिर मैं बिट्टू को देने जाऊँ दवाई। 30 minutes later तो हाँ, देखो आंटी आ गई, दवाई लेके आई हूँ। घरेली दवाई है, इसको खाने से बड़ा आराम मिलेगा। इसमें जीरा डाला है, गुड़ डाला है, हल्की सी अजमान डाली है, और आप खाओगी तो आपकी आत्मा भी सीखेंगी और बड़ा अच्छा सा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो मेरे को बोलना, मैं दोबारा से बनाऊंगा। और ये आंटी दवाई किस चीज की है बता? ये दवाई ये ना जाते में देते हैं जच्चा को हमारे यहाँ। आंटी वैसे ये बनाया किस लिए जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है, इससे बच्चे के लिए दूध आएगा, वो बहुत अच्छा होगा बच्चे की सेहत के लिए और जच्चा के लिए। तो अच्छा है ना कि तुम्हारे अच्छा, तुम्हारे हाँ तुम्हारे अंदर तुम अगर इसको पियोगी तो अंदर हाँ, जो टांके है ना वो भी सेकेंगे, सूखेंगे। आंटी ने तो उसके लिए दे दिया है बनाते हुए, और हम देखते हैं कि उसको पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि शायद मेरे को नहीं लगता कि उसको पसंद आ रहा होगा। आ रहा है पसंद? अभी तो लगा नहीं है, गरम गरम लग रहा है बहुत। अरे गरम है बहुत यार, देखो गरम तो होगा। अब कोई चीज बनी है नहीं, उल्टी नहीं करनी। फिर मन लगा क्या? वो तुम्हें नहीं पीना? मेरे से नहीं पिया जाता है, अच्छा नहीं लग रहा। आंटी एक बार इसको दोबारा ट्राई करना, थोड़ा सा पियो, उल्टी हो जाएगी मुझे। अरे कुछ उल्टी नहीं हो रही, थोड़ा सा पियो, थोड़ा सा पी के देखो। दांतों के लिए फायदा रहेगा, लो पकड़ो
चम्मच पकड़ी। अरे कोई मीठा नहीं है, दोबारा पियो उसको। अरे जरा सा डाला है ना मैंने मीठा, आपके लिए तो नॉर्मल बनाया है। जल्दी पियो, अच्छा मत देखो। अरे नहीं हो रही उल्टी, जल्दी पियो। दवाई सुन, दवाई सुन, दवाई पियो, पियो 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 पियो, जल्दी पियो, जल्दी पियो। अरे जल्दी पियो। अरे फिर उल्टी। आप पी के देखो कैसा लग रहा है। मैं पी के देखू? हाँ, चम्मच भर के पी के देखना। हाँ, पियो, पियो, पता चम्मच पियो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप पी के देखो चम्मच। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पिया है। चम्मच भर के पी के देखो। नहीं नहीं लाओ, मैं भी तो पब्लिक। नहीं नहीं भरो ना, पी रहे हो कि नहीं। लाओ भरो, ये लो। मुझे क्या दिक्कत है, भर के लेना इनके सामने दिखाते हुए। हाँ ये देखो, ये देखो इतना लिया है मैंने, ये रहा इतना लिया है। हाँ पी के देखो, कोई बुरा नहीं है। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। मेरी दादी ने इससे ज्यादा वो बनाया था, हार्ड बनाया था इससे ज्यादा। अरे मैंने कोई डाला ही नहीं भैया, जबकि उन्होंने बताया क्या क्या लॉन्ग डाली थी, क्या डाला था, बहुत ज्यादा वो था। आपकी क्या डिलीवरी हुई थी? डिलीवरी नहीं हुई थी, सर्दियों में फायदा करता है। आंटी से भी पूछ लो, जच्चा के साथ पी सकते हैं लोग। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए फायदेमंद रहता है। हम चल रहे हैं 60 साल की उम्र में, जॉइंट हमारे क्या दर्द कर रहे हैं, आप भी करेंगे। आंटी उनसे ज्यादा फिट है, तुम वाह करने में लगी हो। इतने तीन दिन की ना हमने रोटियां पकाई हैं। जल्दी पियो, जल्दी जल्दी पियो उसको, पियो। नहीं 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 जल्दी पियो, ये लो पियो। आप छंटे ना दी तो पहले लो। हाँ। 2 hours later किंतु लो आंटी फिर आ गई। अब क्या लेके आओ आंटी? अब इनके लिए लेके आई दलिया, नमक वाला, दाल वाला। दलिया तो खा सकती हो ना? अच्छा, दलिया तो डॉक्टर ने बोला है। अभी खा रही हूँ। आंटी वो तो अभी भी रखा हुआ है, वो तो पिया नहीं, तो फेंके दे रही हूँ। हाँ पी लो, छोटा है ना। मैं मेरे मेरे को मैं तो पी भी आई, इससे ज्यादा था। मैंने बच्चे पैदा किए हैं तो मैं तो पी आई ना अपनी सेहत के लिए। बॉडी नहीं आंटी, फर रंडे जा रहा। ओम फो, ये नमक भी रखा है, कम लगे तो ठीक है। ओके चलो ठीक है आंटी। One eternity later. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं 7:30 और आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा जो प्रोडक्ट हमने आज मंगाया था उसमें क्या स्पेशल है और क्या न्यू है। तो उसको जानने के लिए कल हमारे संग बने रहिएगा। एंड अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।